डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट में पोइट्री से पोइम्स का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है यह देखेंगे। तो आप लोग ये समझें कि जिस तरह से संतरा, मौसमी या अनार का जो जूस निकाला जाता है, तो हम ये फल जो हैं ये पूरी पोइम समझ सकते हैं और इनका जो जूस है वो सेंट्रल आइडिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेंट्रल आइडिया पोएम का सार होता है, निष्कर्ष होता है, निचोड़ होता है। पोएम में पोइट ने जो मुख्य बात बताई है, जो पोएम के माध्यम से पोइट अपना मैसेज देना चाहता है हमें, वही पोएम का हम सेंट्रल आइडिया मानते हैं। तो आज हम इंटरमीडिएट की पोइट्री से पहली पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसकी रचना सर हेनरी वॉटर ने की है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो देखते हैं करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया। तो जो सेंट्रल आइडिया है वो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं, कैसे लिखा जाएगा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाई सर हेनरी वॉटन इज दैट ए मैन इन इज हैप्पी इफ ही इज नॉट सब्जेक्ट टू एनोदर्स विल, ही इज नॉट ए स्लेव टू हिज पैशंस, ही डज नॉट फियर डेथ एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म, ही वर्क्स एज हिज कॉन्सेंस सेज, ही डज नॉट इनवी द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, ही डज नॉट हार्म अदर्स, फॉर हिम जॉयज एंड सोरोज आर अलाइक, He is content with what he has। तो एक बार फिर से देख लेते हैं और हिंदी में बता देता हूँ मैं क्या है ये। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाई सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन की कविता करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मूल भाव है कि ए मैन इज हैप्पी इफ ही इज नॉट सब्जेक्ट टू एनोदर्स विल। एक व्यक्ति अपने जीवन में खुश रह सकता है यदि वह दूसरों की इच्छाओं के अधीन न हो। ही इज नॉट ए स्लेव टू हिज पैशन, वह अपनी भावनाओं का भी गुलाम नहीं होता है, अपनी भावनाओं के अधीन भी नहीं होता है। He does not fear death and public criticism, वह मृत्यु या लोगों की आलोचना से भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है। He works as his conscience says, वह अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ के अनुसार ही कार्य करता है। He does not envy the progress of others, वह दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता है। He does not harm others, वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। For him joys and sorrows are alike, उसके लिए आनंद और दुख समान होते हैं। He is content with what he has, वह जो उसके पास है उससे ही संतुष्ट होता है। इस तरह से पहली पोएम का ये सेंट्रल आइडिया हो जाता है। थैंक्स।